ये गर्व ये सर सर, मैंने ऑक्सीडेशन में क्यूमीन टू फिनॉल वाला मैकेनिज्म करा दिया था क्या? सर अभी नहीं कराया, लेकिन आपने शायद एक बार पहले करा रखा है। अच्छा कुछ नहीं था, एक बार जल्दी से नोट करेंगे, क्यूमीन टू फिनॉल वाला ऑक्सीडेशन शायद रह गया ना, नोट कर लेंगे। ये तो क्वेश्चन बहुत बार नीट में और आईआईटी मेंस में एडवांस में आया हुआ है सर ना, क्यूमीन टू फिनॉल सर, क्यूमीन टू फिनॉल नोट कर लेंगे। रिएक्शन सबको पता ही है, आइसोप्रोपाइल बंजीन है, आइसोप्रोपाइल बंजीन। इसमें पहले करते हैं एयर के थ्रू ऑक्सीडेशन, याद होगा तुम्हें एरियल ऑक्सीडेशन होता है पहले, कई बार के टू सी आर टू सेवन भी लिख देते हैं, लेकिन उससे ना चांसेस होता है कि बेंजोइक एसिड बन जाए, तो एयर के थ्रू इसमें ऑक्सीडेशन प्रेफर करते हैं। एयर के थ्रू ऑक्सीडेशन होता है इसका, सही ना, एरियल ऑक्सीडेशन ओ टू। इसके थ्रू ऑक्सीडेशन होगा तो बीच वाला कार्बन जो है पहले वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, सी सी एच थ्री सी एच थ्री ओ एच ये आता है, और उसके बाद जब इसमें डायल्यूट एच2O डालते हैं, डायल्यूट एच2O डालते हैं ना, अब ध्यान सुनना यहाँ पे जो बताऊंगा मैं भी। इसमें क्या करना है, जो तुम्हें लगता है कि जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, क्या बोला मैंने, जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है उसके ऊपर OH लगा देना, सही ना, उसके ऊपर क्या लगा दोगे, OH, और बाकी पार्ट को ऐसी, बाकी पार्ट को जैसे इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड किसका ज्यादा है, मिथाइल का, मिथाइल का कि फिनाइल का, किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा, सो तो इसलिए उसके ऊपर वोट लगा देना। ये मेजर आंसर, और बचा हुआ पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट बचा हुआ हो कि नहीं, ये पार्ट बचा हुआ कि नहीं, यस सर, एसीटोन। तो यहां बना देना, हाँ उधर बना देना एसीटोन, समझ गए कि नहीं, ये जो बचा हुआ पार्ट है उसमें कीटोन मिल जाएगा। दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, इसीलिए ये रिएक्शन बहुत ही यूजफुल है, ये एडवांस में भी पूछा हुआ है, बोर्ड में आ सकता है रिएक्शन, कन्वर्ट क्यूमीन टू फिनॉल, याद रखना क्यूमीन टू फिनॉल ये तरीका है, ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वन स्टेप कन्वर्जन ही मानते हैं। ये प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, जो फिनॉल की प्रिपरेशन होती है ना, ये उसके अंदर आ सकता है, क्लियर, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के अंदर। फिनॉल की प्रिपरेशन कैसे कैसे हो सकती है बताओ, फिनॉल की प्रिपरेशन कैसे कैसे हो सकती है, याद है मैं ऑरली बता रहा हूं, एक तो डॉस प्रोसेस याद आया, यस सर, मैनुफैक्चरिंग ऑफ फिनॉल, पहले डालेंगे NaOH 623 केल्विन, NaOH ड्रास्टिक कंडीशन में डालेंगे NaOH 623 केल्विन 320 एटमॉस्फेयर, ये बता रखा है। सेकंड पे डाइल्यूट HCl तो फिनॉल मिल जाएगा, एक तरीका, ये एक स्टेप है, ये भी बेंजाइन मैकेनिज्म होता है, एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म है, सही ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन एडिशन। दूसरा है बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड में पहले NaOH का फ्यूज करेंगे, NaOH का फ्यूज करते हैं तो फिनॉल मिल जाता है, डायरेक्ट लिखते हो कि फिनॉल मिल गया, नहीं तो पूरा शब्द दिखाना है, तो बेस जला है, एसडी एसडी हाइड्रोजन को पहले बाहर निकालता है, एक्सेस में NaOH डालते हैं तो SO3 भी स्टेबल होता है, वो निकल जाएगा बाहर, ONA मिलेगा, OH नहीं मिलेगा डायरेक्ट, ONA मिलेगा, फिर डायल्यूट एसिड डाल देंगे तो फिनॉल मिल जाएगा, क्लियर है कि नहीं, ये भी NCERT में दे रखा है, ये भी NCERT में दे रखा है, और स्पेशली इसमें रिसोर्सिनॉल बनाने का तरीका दे रखा है, बेंजीन में, बेंजीन के अंदर फ्यूमिंग H2SO4 डालोगे तो ये आ जाएगा, SO3H यहाँ पे, SO3H यहाँ पे मेटा पे, फ्यूमिंग H2SO4, फ्यूमिंग H2SO4 डालोगे ये आ गया, फिर दोबारा NaOH का फ्यूज करोगे तो SO3Na SO3Na, NaOH एक्सेस में डाल देंगे तो ONA ONA, डाइल्यूट एसिड डाल देंगे तो रिसोर्सिनॉल, क्या क्लियर है ये, यस सर। क्लियर है कि नहीं। और एक तरीका मैंने तुम्हें V2O5, जो ऑक्सीडेशन कराया था, V2O5 डालते हैं कितने टेम्परेचर पे, 250 डिग्री सेल्सियस। बहुत से गर्म बेंजीन में डाल देंगे V2O5 एट 250 डिग्री सेल्सियस तो मिल जाएगा फिनॉल। और एक और तरीका है, याद कर सकते हो अगर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बेंजीन में अगर डाल देंगे फेंटोन रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ये, H2O2 प्लस FeSO4, क्या पता तुमने इसको कन्वर्जन में किया हो, ग्लिसरॉल से कन्वर्जन होती है, ग्लिसरल डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, क्या है कन्वर्जन में, ग्लिसरॉल टू मिक्सचर ऑफ डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड ग्लिसरल डिहाइड, फेंटोन रिएजेंट का पर्पज, ग्लिसरॉल सर में है अगर, उसमें हाँ ग्लिसरॉल में अगर फेंटोन रिएजेंट डाल देंगे तो क्या होगा, ये फेंटोन रिएजेंट है H2O2 प्लस FeSO4, यहाँ मेरा ये पर्पज नहीं था कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनॉल बताना,
ये एक इंपॉर्टेंट मेथड था फिनॉल को प्रिपेयर करने का, वो मैंने तुम्हें बता दिया। अब मैं इसका मैकेनिज्म बताने जा रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म जो इंपॉर्टेंट वाला है। डायरेक्ट आंसर समझ आ गया कैसे में करना है? डायरेक्ट आंसर का तरीका बता कर, क्या बोला मैंने? सर जो डायरेक्ट डायरेक्टली अटैच वाला कार्बन है उस पे OH आ जाएगा, और उसके बाद नहीं जिसका सॉरी, बोल माइग्रेटरी अप इसके यहाँ पे, हाँ जिसका, हाँ ये बोल रहा है, इन बोल रहा हूँ। और जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है उस पे OH लग जाएगा, और बचे वाले पार्ट में मतलब जो भी हमने बॉन्ड ब्रेक करे हैं वो फॉर्म कर कीटोन, देंगे। बिल्कुल सही है। और पहला स्टेप जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है ना, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, और दूसरा वाला ऑक्सीडेशन है। फ्री रेडिकल ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म बोलते हैं इसको, फ्री रेडिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सर नोट कर लेंगे एक बार, फेंटॉन्स रेजेंट में Fe+2 में होता है। Fe+2 में, +3 में भी ले लेते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ना Fe+2 आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe+3 में। क्यों? क्योंकि +3 ज्यादा सिबल होता है ना, तो ध्यान रखना चीज का। नहीं, अब नोट करना आगे, अब इसका मैकेनिज्म जल्दी से लिखेंगे। ध्यान रखना, क्यूमीन से, क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड नाम है इसका, इसका नाम क्या है? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड। मैकेनिज्म लिख लेंगे जल्दी से। पहले तो चेन इनिशिएशन, ये जैसे क्यूमीन से, क्यूमीन से फिनॉल अगर है, पहले क्यूमीन से क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड आएगा। क्यूमीन से क्या आएगा? क्यूमीन हाइड्रो परऑक्साइड, ये CH, MeMe, MeMe। तो इसमें डालेंगे, ध्यान रखना बहुत सिंपल है, अगर तुम सोचोगे ना, ये है नहीं तरीका, याद करने का तरीका बता रहा हूँ सिर्फ। ये O डबल बॉन्ड O, एरियल ऑक्सीडेशन है ना, O डबल बॉन्ड O, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। आंसर आ गया कि नहीं? ये गर्व समझ आया कि आंसर आ गया यहाँ पे? यस सर। लेकिन कोई इनिशिएटर होगा जो इनिशिएट करता है। 3 स्टेप लगते हैं इसमें भी करने में, 3 स्टेप भी लगेंगे इसको करने में। क्या स्टेप है वो नोट करेंगे एक बार। देखो यहाँ पे चेन इनिशिएशन स्टेप, पहला चेन इनिशिएशन, फ्री रेडिकल में 3 स्टेप होते हैं, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन। पहले चेन इनिशिएशन, कोई भी इनिशिएटर आया, आयन रेडिकल, आयन रेडिकल, कोई भी चेन इनिशिएटर आया, रेडिकल के फॉर्म में होता है, तो वो एच को ले जाएगा इस तरीके से, मिल जाएगा क्या? ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और ये एच को ले गया इसके। एच अकेला कभी नहीं रहता, ध्यान रखना चीज का, एच रेडिकल हाईली रिएक्टिव होगा, वो अकेले कभी नहीं रहता। मोनो एटॉमिक अगर रेडिकल्स हैं, मोनो एटॉमिक रेडिकल्स हैं, तो जितना बड़ा साइज उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। आई रेडिकल, बी आर रेडिकल, सी एल रेडिकल, एफ रेडिकल, फिर एच रेडिकल, तो कभी अकेले रहेगा ही नहीं, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो होती है ना, अंदर जो रिपल्शन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, वो मिनिमाइज हो जाएंगे अगर साइज बड़ा है तो, वो मिनिमाइज हो जाएंगे अगर साइज बड़ा है तो, इसलिए ध्यान रखना चीज को। तो अब जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मैंने यहाँ पे चेन इनिशिएटर डाला, चेन इनिशिएटर क्या करेगा? एच आई एन को बाहर कर देगा, ये रेडिकल जनरेट हो गया, पहला स्टेप रेडिकल बन गया यहाँ पे, सी एम ई ऊपर, एम ई साइड में, और ये रेडिकल जनरेट हो गया, ये रेडिकल जनरेट हो गया। अब ये रेडिकल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन तुम्हें पता है ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में काउंट होता है, O2, चेन प्रोपेगेशन, 2 स्टेप चलेंगे इसके अंदर। ये आया यहाँ पे कंपाउंड सी रेडिकल, CH3, CH3, ये आया O2, O2 का, O2 को मैं अगर ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसका पाई बॉन्ड तोड़ दिया, रेडिकल रेडिकल, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। डाइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, और ये जाके जुड़ जाएगा रेडिकल रेडिकल, ये दोनों रेडिकल जुड़ जाएंगे आपस में, ये दोनों रेडिकल जुड़ गए, CME, ME, और ये OO रेडिकल। क्लियर है कि नहीं? समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। और उसके बाद फिर क्यूमीन से ये दोबारा एच ले लेगा, क्यूमीन से दोबारा एच ले लेगा, C6H5, CH3, CH3, ये इससे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये एच चला जाएगा ऊपर, और ये मिल गया क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड। क्या ये स्टेप समझ आ गया? ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या समझ आ गया इतना? यस सर। और साथ में इसी का, साथ में ये भी मिल जाएगा रेडिकल, ये वाला पार्ट भी मिलेगा साथ में, बेंजीन ऊपर, CME, ME, और रेडिकल, ये पार्ट जनरेट होगा, समझ आ गया कि नहीं? और टर्मिनेशन में कोई भी दो रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे, रिएक्शन टर्मिनेट कर जाएगी, जैसे ये रेडिकल आपस में कंबाइन कर जाएंगे और रिएक्शन
टर्मिनेट कर जाएगी। आर यहाँ पे जो मैंने ऊपर सर्कल किया वही है, कोई भी दो रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे रिएक्शन टर्मिनेट कर जाएगी। एक स्टेप का मैंने समझ आ गया। यस सर, अब दूसरा स्टेप जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें मैंने जो तुम्हें बताया कि जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा उसके ऊपर वो है, बाकी को बना देना कीटोन, वो स्टेप इंपॉर्टेंट है। देखो ये है क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड, सी एम ई एम ई ओ एच डाला था, डाइल्यूट SO4, डाइल्यूट एच प्लस, डाइल्यूट एच प्लस डाला था, तो नेचुरल सी बात है ये वाला ऑक्सीजन इसको लोन पर दे देगा, ठीक है ना, ये ऑक्सीजन इसको लोन पर देगा। क्या चीज आ गई, सी एम ई एम ई ओ पे प्लस, एक मिनट, ओ ओ प्लस H2, क्या ये समझ आ गया? यस सर, ये अब इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, और इन तीनों में से कोई एक माइग्रेट करेगा, एम ई माइग्रेट करेगा या ये वाला एम ई या फिनाइल, तो फिनाइल पता ही है माइग्रेट कर जाएगा, फिनाइल माइग्रेट कर रहा है ये, और ये ओ प्लस जो आ रहा है ना, इस ओ पे प्लस जो आएगा उसके साथ जुड़ जाएगा, ये चीज बनेगी। अब देखो माइग्रेट करने के बाद ये चीज बनेगी सी पे प्लस, देखो इसको उठा करके, इसको उठा करके डायरेक्ट इधर लगा दो इस ओ पे, तो और इस सी ऊपर वाले सी पे प्लस ये चीज आएगी, ओ सी एम ई एम ई और ये प्लस, क्या समझ आ गया, समझ गया कि नहीं? ये यस सर, उसके बाद कौन आ जाएगा, डाइल्यूट SO4 था तो H2 आएगा, अकेला न्यूक्लियोफाइल यही होगा, H2SO4 का HSO4 नेगेटिव, उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है। ये O इस पर अटैक करेगा तो ये चीज आ जाएगी, ओ सी ओ एच एम ई एम ई, क्या क्लियर है? यस सर, मैंने डायरेक्ट माइनस H+ लिख रहा हूँ, डायरेक्ट समझ आ गया ना ये कैसे कैसे हुआ है? समझ आ गया कि नहीं? यस सर, अब तुम यहां पे ये मान लो कि रिएक्शन को इनिशिएट जो है ना, रिएक्शन को इनिशिएट या तो ये आगे ऑक्सीजन ये कर रहा है विद हेल्प ऑफ H+, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और फाइनल आंसर ये आ गया ओ एच फिनॉल और प्लस में सी डबल बॉन्ड ओ प्लस एच CH3 CH3, माइनस यहां से H+ करना, आंसर आ गया एसीटोन, क्लियर है कि नहीं? है फिनॉल प्लस एसीटोन। है क्लियर कि नहीं? है समझ आ गया करके नहीं? यस सर, तो ध्यान रखना ये बहुत सिंपल मैकेनिज्म, डायरेक्ट मैंने तुम्हें बता दिया, डायरेक्ट क्या करना है तुम्हें वो भी समझा दिया है और मैकेनिज्म भी बता दिया, एक दो क्वेश्चन लिखेंगे इसके ताकि ये टॉपिक खत्म हो जाए, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म था बहुत। बस तुम्हें बताया क्यूमीन हाइड्रोपरोक्साइड बनने के बाद जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अच्छा उसके ऊपर ओ एच लगा देना, सही ना, उसके ऊपर क्या लगा दोगे, ओ एच, जैसे इसमें दे दिया सपोज सी एच दिया, एच दिया इसमें, ये लगा दिया इसमें, ई टी लगा दिया, पहले किया एरिल ऑक्सीडेशन, सेकंड पे डाइल्यूट SO4, सेकंड पे डाइल्यूट SO4, तो आंसर क्या आएगा? दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं, एनी सोल टाइप का, अच्छा एक मिनट ये ले लेते हैं, इसमें ये लिया,
इस पे फिनाइल लगा दिया, फर्स्ट और सेकंड, तीसरा, तीसरा लेते हैं सी एच एम ई, पैरा पेनिसाइल ग्रुप, एक पैरा पे टोलाइल ग्रुप है, एक पैरा पे एनिसाइल ग्रुप है। इसमें एरिलॉक्सेशन किया, एरिलॉक्सेशन सेकंड पे डाइल्यूएसओ4, सही है, सेकंड पे डाइल्यूएसओ4। क्लियर है क्वेश्चन कि नहीं? यस सर। हाँ कर कर लिए, यस सर। और किसी ने किया है? नवीन नवीन ने कर लिया है। हाँ पहले का आंसर सर वो पैरा क्रेसोल। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आंसर है। वो जो ऊपर जो सबसे अच्छा माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसका होगा, तो इसके ऊपर ओएच और CH3, यही आंसर ना। यस सर। और दूसरा आंसर जो बचे हुए हैं वो कीटोन बना देना, ये यस सर। नेक्स्ट जो है, सर नेक्स्ट वाले का फिनॉल आंसर। और साइक्लोहेक्सेनॉन। हाँ इस कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है? सी, और इसके ग्रुप, हाँ फिनॉल आ जाएगा इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, इसके साथ एच भी है ना एक, ये इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा अच्छा है, तो इसका फिनॉल आ जाएगा प्लस, जो बचा हुआ पार्ट है उसका कीटोन, यही किया ना। यस सर। नेक्स्ट वाले का सर ओ एच और उसके पैरा पे OCH3 और बाकी का की टू। हाँ बाकी का कीटोन, बिल्कुल सही आंसर है। जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अच्छा उसके ऊपर कीटोन बना देना। ये कर कराया हुआ पहले? फिर नहीं तू कौन सा कह रहा था? सर मैकेनिज्म मेरे को लगा शायद आपने करा रखा है पहले, मतलब ऐसे अच्छा याद आ अच्छा रहा। ये वो लास्ट ईयर का होस्ट था ना। फिर समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। अच्छा अब नेक्स्ट जो है, एक रिएक्शन और, इससे ऐसे ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसके क्वेश्चंस आते हैं। तुम्हें याद होगा कोलबेस रिएक्शन, याद है कि नहीं? यस सर। कोलबेस रिएक्शन, फिनॉल डालते थे, फिनॉल में CO2, ONA में होता है एक्चुअल में CO2, पता है ना? ONA या OK लेके भी कर सकते हैं, या OH लेके भी कर सकते हैं, फिनॉल लेके कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
फिनॉल में CO2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, इन प्रेजेंस ऑफ KOH, तो सैलिसिलिक एसिड आंसर आता है। साथ में पैरा पे CO वाला भी आंसर आएगा। ये क्लियर है ना सबको? डाइल्यूट एचसीएल लाना पड़ता है बाद में। यस सर। सेकंड प्लेक दोनों में पीछे डाइल्यूट एचसीएल। रिएक्शन पता ना ये? यस सर। मैकेनिज्म इसका बहुत ही सिंपल है। फिनॉल है, KOH से क्या बन जाएगा? O-K+। ये और अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा उससे कि नहीं? उसके बाद CO2 आएगा, CO2 इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन देगा इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, कर रखा ना सारा बहुत इजी मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे H तो है ही, साथ में CO- डबल बॉन्ड हो। क्या क्लियर हो गया ये? यस सर। और उसके बाद तुम कह लो टॉटोमेरेज कर गया, या बेसिक मीडियम में ये एच माइग्रेट कर जाएगा। बेसिक मीडियम में टॉटोमेरेज हो गया, ये OH आयंस उल्टा और H2O- हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इधर दिए इसने, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गए और आंसर आ गया सीधा O-, ये COO-, ऊपर O-, फिर डालेंगे डाइल्यूट H+, तो सैलिसिलिक एसिड वाले फॉर्म। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है इससे, सही ना? अब इसमें ना, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसमें जो मेजर प्रोडक्ट है ना, वो टेम्परेचर की कंडीशन पर डिपेंड करता है। यहाँ तक तो सबने कर रखा है, मैकेनिज्म भी हर कोई कर लेता है यहाँ तक ना। थोड़ी सी बातें इसमें जो पता करने लायक है ना, वो नोट कर लेंगे एक बार। नोट कर लिया ना यहाँ तक? सर बस वन सेकेंड। नोट कर लो जल्दी से। यस सर, हो गया। नोट करेंगे। देखो इसके अंदर मेजर प्रोडक्ट जो है ना, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर कैसे? जैसे अगर अब ये क्वेश्चन आ जाए, अगर मैंने बोला T<60°C है, T<60°C है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? पहला केस, इफ टी इज लेस देन इक्वल टू 60°C, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? तो तुम बोलोगे टी लेस देन इक्वल टू 60°C है, तो पैरा जो है, इट इज मेजर देन ऑर्थो, पैरा वाला OH CO, समझ गए कि नहीं आंसर? पैरा ग्रेटर देन ऑर्थो होगा टी लेस देन 60°C। देखो टेम्परेचर कम, तो ऑर्थो पे तो वीकर इलेक्ट्रोफाइल जैसे CO2 अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पे क्या होंगी, रिपल्शन होंगी, वहां पे रिपल्शन होंगी, उसको सफिशियंट एनर्जी चाहिए ऑर्थो पे रहने के लिए, वो सफिशियंट एनर्जी नहीं होगी इसके पास, समझे कि नहीं? क्योंकि रिपल्शन हो रही है। एट लो टेम्परेचर वीकर इलेक्ट्रोफाइल कांट अटैक एट ऑर्थो पोजिशन ड्यू टू रिपल्शन, सो इट रिक्वायर्स सम एनर्जी टू अटैक एट ऑर्थो पोजिशन। क्या क्लियर है ये? यस सर। लो टेम्परेचर पे ऑर्थो पोजिशन पे रिपल्शन होंगी, तो अगर CO2 को, CO2 इलेक्ट्रोफाइल जो कि वीक है, इसको अटैक करना है अगर ऑर्थो पोजिशन पे, तो उसके पास एक सफिशियंट एनर्जी होनी चाहिए, तो इसलिए पैरा इज ग्रेटर देन ऑर्थो एट बिलो और इक्वल टू 60°C। अब एट टी ग्रेटर देन 60°C बट लेस देन, इक्वल टू 160°C। अब यहां पे क्या हो जाएगा? अगर टी ग्रेटर देन हो जाए 60°C बट लेस देन इक्वल टू 160°C, तो ऑर्थो विल बिकम ग्रेटर देन पैरा, ऑर्थो विल बिकम ग्रेटर देन पैरा।
रीजन मैंने अभी दे दिया है, रीजन दे दिया। और दूसरा एक रीजन तुम्हें पता ही है कि ऑर्थो पे एक तो अब सफिशियंट एनर्जी हो गई, CO2 के पास टू अटैक एट ऑर्थो पोजिशन एंड ऑल्सो ड्यू टू चिलेशन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रेट बॉन्डिंग होगी कि नहीं, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रेट बॉन्डिंग होगी कि नहीं, यस सर, तो वो अब रहेगी यहां तक, यहां तक रहेगी अब, सही ना। OH और COH जो है अब ये रह सकते हैं कहां पे, ये अब यहां रह सकते हैं। इंटरमोलर हाइड्रेट बॉन्डिंग हो जाएगी तो ये अब ऑर्थो पोजीशन पे रह सकता है, तो ऑर्थो वाला मेजर बन जाएगा, ऑर्थो वाला मेजर बन। लेकिन अब टी ग्रेटर देन अगर 160 डिग्री सेल्सियस हो जाए, टी क्या हो जाए, ग्रेटर देन 160 डिग्री सेल्सियस, तब क्या हो जाएगा घर बता, तब क्या सोच सकता है कि क्या होगा। सर फिर मेटा वाला हो जाएगा। नहीं, पैरा ही है, पैरा ही ग्रेटर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर पे क्या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रेट बॉन्डिंग रह जाएगी कि डिस्ट्रॉय हो जाएगी अब। ना इस हाई टेम्परेचर पे, और ये सारा डिटेल मैं दे रहा हूँ KOH के लिए, ध्यान रखना चीज का, ये KOH के लिए है डिटेल सारी। नहीं है क्लियर यस सर, आगे 1 बार थर्ड का रीजन बताना। 160 डिग्री सेल्सियस पे ये इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रेट बॉन्ड जो है ये बड़ा, ये ब्रेक कर जाएगा ना, तो अब CO2 कहाँ जाएगा, पैरा पोजीशन पे जाएगा। ओके तो ये ध्यान रखना, ये कंडीशन पूछ सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन आएंगे तो काउंट होगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। और एक सेकंड रीजन भी है इसका, मैंने बोला मेजर प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, मेजर प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, मेजर प्रोडक्ट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वेदर इट इज KOH और NaOH। ना अगर टेम्परेचर मान लो कॉन्स्टेंट है 50 डिग्री सेल्सियस, तो तुम्हें पता है कि पैरा जो है ग्रेटर देन ऑर्थो होगा, ये पता है कि नहीं, KOH के लिए अभी लिखवाया ना ऊपर ये रहा। यस सर, लेकिन अगर NaOH आएगा ना तो उल्टा हो जाएगा, ऑर्थो ऑर्थो ग्रेटर देन पैरा, याद आएगा नहीं कि एक तो Na पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा, Na प्लस साइज छोटा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, और दूसरा इसका साइज छोटा है, साइज स्मॉलर है। तो अगर रिंग बनेगी इसके अंदर इंटरमीडिएट में 6 मेंबर की, तो वो आसानी से बन जाती है O माइनस और Na प्लस CO2, C डबल बॉन्ड O या O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ये 6 मेंबर की रिंग आसानी से बन जाती है क्योंकि Na का साइज छोटा है, ये फिट हो जाएगा इस 6 मेंबर की रिंग में। लेकिन K प्लस होगा तो वो फिट नहीं हो पाएगा यहाँ पे, क्लियर है बात कि नहीं है। यस सर, तो ये बातें जो बताई ना ये इंपॉर्टेंट है, नोट करना चाहो, जिसको डिटेल में पढ़ना वो कर सकता है, अदरवाइज डिटेल में आएगा तो ही पूछेंगे, नहीं तो नहीं पूछेंगे। NaOH के साथ क्या मेजर है, KOH के साथ क्या मेजर है, और अगर LiOH आ गया तो, अगर LiOH आ गया उस केस में सेम चीज आंसर है, पैरा ग्रेटर देन ऑर्थो, उस केस में क्या हो जाएगा, Li प्लस, एक्वा सोल्यूशन तो होगी, एक्वा सोल्यूशन में Li प्लस हाईली हाइड्रेट होगा, साइज बहुत बड़ा हो जाएगा कि नहीं इसका, यस सर, तो ये ध्यान रखना, ये डिटेल जो बताइए ना इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो तो याद कर लेना, नहीं तो कोई खास नीड नहीं है इसकी, सही ना, नहीं तो कोई खास नीड नहीं है इसकी। ये समझ आया बातें जो बताइए अभी, तो एनिवेटर क्यूज में एक सोल्यूशन नहीं होगा। उनमें भी है कोई सोल्यूशन, लेकिन उसमें पानी ज्यादा डिस्टर्ब कर नहीं पाएगा ना, साइज छोटा होगा तभी तो डिस्टर्ब करेगा उसको। तो मतलब एनए का साइज के से छोटा है तो उसमें मतलब हाइड्रेट फंक्शन ज्यादा होगा तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा। हाँ उतना नहीं बड़ा हो पाएगा ना पानी में, वो ऐसा कि पानी की क्वांटिटी कंसंट्रेशन उस पर भी डिपेंड करेगा ना ऋषिता, ओके सर, इतने टेम्परेचर पे पानी कितना आ पा रहा है कितना नहीं आ पा रहा, समझे कि नहीं, है 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है। यस सर, Li प्लस जब केस आता है ना तो ये ना वाटर वाला केस तो इंक्लूड हो ही जाता है, अगर वाटर हल्का सा भी है तो। डिटेल समझ आ गई सारी जो दी है अभी, वेडनेसडे की क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी। वेडनेसडे की क्लास में सब्स्टिट्यूशन में बताऊंगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये ऑलमोस्ट खत्म मान लेना तुम, मेरे को जल्दी जल्दी खत्म करना, मैं कह रहा हूँ उसके बाद क्वेश्चन कराने बहुत अच्छे वाले, जो जिस
टाइप क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन एक बार हमें अपना काम जरूर खत्म करना है, सब्स्टिट्यूशन उसके बाद एलिमिनेशन पहले, क्योंकि तो मैकेनिज्म मैक्सिमम हमने खत्म कर लिए हैं। अच्छा चलो, एक एक दो चीज़ें, जैसे मैंने तुमसे बोला मान लो केस लिया ओरिएंटेशन, है ना, ओरिएंटेशन इफेक्ट। ओरिएंटेशन इफेक्ट में मैंने बोला तुमसे कि एनएच है यानी पायरोल है, ये कहाँ पे अटैक कराएगा इलेक्ट्रोफाइल का, पहला केस। दूसरा पायरीडीन है, ये कहाँ पे अटैक कराने देगा इलेक्ट्रोफाइल का। तीसरा मतलब सर ये Cl2 डाल उसकी दिया, तरह ही Cl2 नहीं डाल है, दिया, रिवर्टी1 रिएक्शन की तरह? रिमेटिव तो मैंने करा दिया ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ये उसकी तरह ही तो है। नहीं, ये इलेक्ट्रॉन Cl2 Fe डाला गर्व जैसे। सर उसमें भी तो जैसे इलेक्ट्रोफाइल ही आता था, मतलब उस पर ही हाँ तो इलेक्ट्रॉन आता ना, होता था अटैक। उसमें फिक्स है ना कि CCl2 ही आएगा। हाँ सही है, वो तो सिंगलेट कार्बन, वो छोड़ दे उस चीज को भी। बोलेंगे एक्सपेंशन मिसलिनियस रिमेटिवन या एबनॉर्मल रिमेटिवन, वो सब नहीं करना, वो मैं करवा दूंगा, उसको नहीं लेना है यहाँ पे भी। इसमें E+ डाला तो क्या होगा, इसमें E+ डाला तो क्या हुआ, ये चार केस डिस्कस कर रहे हैं एक बार। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? ठीक यस सर। है, निकाल लो इसका आंसर। गर्व कर लिए हैं? यस सर। आंसर बोले एक बार। सर पहले वाले में के 7 वाले कार्बन पे लग जाएगा ई, हाँ और दूसरे में भी, तीसरे में अल्फा वाली पोजीशन पे, चौथे में। चौथे में वो गामा वाली। चलो अभी देखते हैं, एक बार रिजॉइन करना, बस यही क्वेश्चन बताऊंगा सिर्फ।